देखिए कितने जबरदस्त सा हमारा ये पालक आलू तैयार हुआ है, दम आलू बनाया है हमने, जो बेहद खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। देखिए इसकी ग्रेवी, देखिए इसका कलर, देखिए आपको ये देख के ही मुंह में पानी आया। इस तरह की हमारी ये सब्जी तैयार हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है नागपुर स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक दम आलू। बेहद स्वादिष्ट ये रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। तो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, नागपुर स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक दम आलू बनाने के लिए हमने 1/2 kg पालक ली है, मीन्स फिनिश। तो ये हमने 1/2 kg लिया था। इसे हमने पहले अच्छे से काटने के पहले हमने इसे अच्छे से वॉश किया है, 2-3 बार हमने पानी से अच्छे से धोना है इसे, और उसके बाद में हमने इसको रफ चॉप किया है। इसको हमने एकदम रफली चॉप किया है। उसके बाद में हमने 1/2 kg ये छोटे छोटे आले, बेबी पोटैटो बोलते हैं इसको, तो वैसे हमने छोटे छोटे आलू लिए हैं और इसको हमने बॉईल करके रख लिया। इसको बॉईल करके इसके छिलके उतार दिए हैं, बॉइल्ड पोटैटो है ये। उसके बाद में एक छोटी प्याज जिसको हमने फाइन चॉप करके रखा है, कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया लगने वाला है, कुछ होल स्पाइसेस लगेगा जिसका हमें इस तरह से क्रश बनाना है। तो उसमें सिनेमन स्टिक मीन्स कलमी लिए हमने, और ये है ग्रीन कार्डिमन, हरी इलायची, ब्लैक कार्डिमन बड़ी इलायची, और ये है हमारा स्टार एनिस चक्रीफुल, और ये मेस यानी कि जावित्री। तो इन सबको मिला करके हमने पीस लिया है और इसका एक दरदरा क्रश तैयार किया। तो ये आपने देखा होगा हमेशा मेरे पास ये क्रश तैयार रहता है, तो उसी का ये क्रश है। उसके बाद में हमें कर्ड यानी कि दही लगने वाला है, तो ये मीडियम दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीडियम है। उसके बाद में हमें 2 बिग अनियन ली है, बड़ी साइज की प्याज ली थी, 1/2 kg 1/2 kg दोनों लिया है। उसके बाद में हमें आलू और हमारा पालक जो है वो 1/2 kg है, इसके लिए हमें 2 बड़ी प्याज ली है। उसके बाद में हमने कम से कम 10 से 12 हरी मिर्च ली है, ग्रीन चिलीज। उसके बाद में हमने कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया लगेगा, लेमन, 1/2 लेमन लगने वाला मीन्स नींबू। उसके बाद में हमने 4 टमाटर लिए, 4 टमाटो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। उसके बाद में हमें ये है गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा, तो हमने 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रखा है। उसके बाद में हमें लगेगा ये किचन किंग मसाला लगने वाला है, सॉरी ये हमारा तो वो गरम मसाला था, और ये हमें लगेगा वाटरमेलन सीड मीन्स मगज बीज कहा जाता है इसे, तो वो लिया है, कैशू नट एंड आमंड, तो काजू और बादाम भी लगने वाला है हमें। उसके बाद में हमें शुगर यानी कि शक्कर लगने वाली है, ये है हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी, गरम मसाला लगेगा, बटर लगने वाला है, हमें ये फ्रेश क्रीम नहीं था तो हमने जो घर की मलाई होती है उसको हमने थोड़ा सा अच्छे से फेट लिया है और हमारा फ्रेश क्रीम तैयार हो गया। उसके बाद में हमने लिया है बेलीफ मीन्स तेज पत्ता और क्यूमिन सीड मीन्स जीरा, तेज पत्ता और जीरा लिया है। उसके बाद में सॉल्ट यानी कि नमक लगने वाला है, और ये है हमारा किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी मीन्स ड्राई फेनिक रिलीफ, ये है धनिया जीरा पाउडर मीन्स कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर। उसके बाद में हमें रेड चिली पाउडर लगने वाला है, और बस इसी तरह से हमें पूरे सामान की तैयारी करके पहले रखना है, उसके बाद में अब हम हमारी इस पालक पनीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए, उसके बाद में हम अब हमारी ये जो है दम आलू हमारा पालक का बनाना शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारे जो पालक है इसे ब्लांच कर लेना है, तो इसको ब्लांच करने के लिए हमने पानी गैस पर गर्म करने को रख दिया है, उसे हम पहले ब्लांच कर लेते हैं, क्योंकि उसको गर्म होने के बाद में इसे ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड भी करना है, तो इससे सबसे पहले हमें ये काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने पानी गर्म करने को रख दिया था, हमारा पानी बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शुगर, शक्कर। शक्कर क्यों डाला, शक्कर डालने का कारण ये है इससे जो हमारे पालक है इसका कलर चेंज नहीं होता है, और तुरंत इसको हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे ब्लांच करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करना है। इसमें हम पूरी पालक हमारी डाल देंगे। हमारी पालक अब अच्छे से ये ब्लांच हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, हम गैस का पावर बंद करते हैं और हमारी पालक को स्ट्रेनर में निकालना है, और इसका थोड़ा सा पानी जो है हमारी सब्जी की ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पालक को काफ़ी अच्छे से धो कर यूज़ किया था, तो इसका पानी थोड़ा सा हम बचा लेंगे, बाकी का पानी फेंक देंगे, और इसको या फेंके ना फेंके आप उसको आटा भिगाने में भी यूज़ कर सकते हो, ये पानी ठंडा होने के बाद में आटा भिगा लो या सब्जी में डाल दो, तो ये पानी को आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अभी इसे हम पहले स्ट्रेन कर लेते हैं। अब इस पर हमें ठंडा पानी डाल देना है, इससे इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी।
पूरा ठंडा एकदम ठंडा पानी डाल देंगे, तो ये इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, और वैसे शक्कर डालने से चेंज नहीं होता, लेकिन ठंडा पानी डाल देने से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं जब तक हम हमारे मसालों की तैयारी करेंगे। देखिए हमने पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, अब उसमें हम डाल देंगे हमारा बटर। और इसी में डाल देंगे हमारी ये प्याज। इसमें चले जाएंगे हमारी, देखो हम क्या कर रहे हैं, बाकी का हरी मिर्च को हम उसमें फ्राई करेंगे, सॉरी मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, बाकी की थोड़ी सी डालती हूँ उसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब हम बाकी का, ये जो बचा हुआ है आधा आधा लिया है मैंने, इसका हाफ को मैं पालक के साथ में ग्राइंड करूंगी, और इसमें डाल के इसको हल्का सा ग्राइंड करूंगी, पेस्ट के साथ में थोड़ा सा मिर्च डालिए और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी इसे हमें अच्छी तरह से पकने देना है। अभी हमारी पालक ठंडी हो चुकी है, तो अब इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है, तो इसके साथ में ही हम हमारा हरा धनिया और हरी मिर्च ये भी साथ में ग्राइंड करेंगे, ये सब मिक्स करके हमें ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं हम। देखिए अब हमारी प्याज भी होने में आ गई, तो इस पीरियड में हम डाल देंगे इसमें कम से कम मैंने 10 के करीब काजू लिए हैं, 10 कैशनट, और ये 7-8 हमारे बादाम हैं, ये डाल देते हैं, और 1 टीस्पून भर के हमने मगज बीज, तरबूज के बीज लिए हैं। अगर मगज बीज नहीं है तो आप इसकी जगह में खसखस यानी कि पॉपी सीड भी डाल सकते हो। इसे हम साथ में ही भुनेंगे, और इसके साथ में चले जाएंगे हमारे ये टमाटर। इन सबको हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देना है। देखिए हमारा पालक, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद में हमें इसे भी ग्राइंड करना है, तो इसे हमें हल्का सा सॉल्ट डाल के इसे भी हम जल्दी पका लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, सॉल्ट, इसे मिक्स करके हमें अच्छे से पका लेना है। अब इसे भी हम अच्छे तरह से सॉफ्ट होने देते हैं। जब तक हमारे टमाटर, काजू वजू सब फ्राई फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह से, उस पीरियड में हमें इसे हमारे आलू को फ्राई करने के लिए मैरिनेशन तैयार करना है, तो इसके लिए हम 1/2 टीस्पून के करीब इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा हरा ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी हमारी ये टर्मरिक डाल देंगे, और इसमें चले जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक। ये सबको हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है, और साथ में हम डाल देंगे इसमें ये थोड़ी सी हमारी मलाई, फ्रेश क्रीम। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और मैरिनेशन के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए काफी अच्छे से अब ये पूरी तरह से मैची टाइप फ्राई हो गया है, तो अब इसको हम निकाल के साइड में करते हैं, और इसे पूरी तरह से हमें ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर हम हमारे आलू को फ्राई करने के लिए कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला और थोड़ा सा बटर डाला है, इससे हमारे जो आलू जो फ्राई होंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। देखिए अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हमारे ये मैरिनेटेड पोटैटो मीन्स आलू, और फुल पावर पे ही हमें इसे अच्छे से गोल्डन कलर होते तक फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हमारे ये जो मसाले हैं पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है, हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। हमारे आलू को हमें पूरा गोल्डन क्रिस्पी होते तक हमें इसे फ्राई करना है, तो इसे हम पलटाते पलटाते ही हमें इसे करना है, बीच बीच में आप चम्मच चला चला के इसे पलटाते रहिए ऐसे, तो इससे कैसा ये काफी अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे, पूरी तरफ से इसे हमें अच्छे तरह से होने देना है। देखिए हमारे दोनों पेस्ट तैयार है, हमारा ये पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया का पेस्ट है, और ये जो हमने टमाटर, प्याज, काजू, बादाम, और ये जो मगज भी थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया, उसका ये पेस्ट है, तो ये हमारा पेस्ट पूरी टोटली तैयार है। अभी हमें आलू हो जाए, उसके बाद हम हमारी सब्जी फ्राई करें। देखिए हमारे आलू फ्राई होने में आ चुके हैं, इसे हमें और थोड़ा सा गोल्डन होने देना है, हमें एकदम गोल्डन कलर होते तक और फ्राई करना है, कम से कम और 5 मिनट लगेगा। देखिए अब ये काफी अच्छे से
फ्राई हो चुकी है। तो अब हमें पूरे हमारे आलू को निकाल लेना है। पूरे आलू हम निकाल लेते हैं। अब हमने आलू निकाल चुके हैं, तो अभी सेम आलू से सेम ऑयल में हमें हमारा ये तेज पत्ता डाल देना है, मीन्स बे लीफ, और हाफ टी स्पून जीरा मीन्स क्यूमिन सीड। उसके बाद में हमने जो हाफ प्याज काट करके रखी थी फाइन चॉप, वो डाल देते हैं। और इसे हमें अच्छे से होने देना है, हमारी प्याज को हमें सॉफ्ट होने देना है। इसे पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, फिर उसके बाद में हमारे बाकी के मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड की, वीडियोज में लास्ट तक बने रहे, इससे आपको बनाने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए देखिए, अब ये हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हमने जो प्याज टमाटर अदरक सॉरी प्याज टमाटर और हमारा हरी मिर्च काजू बादाम का जो पेस्ट बना के रखा था वो। और इसी के साथ में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट मीन्स अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार नहीं है तो जब हम हमारे प्याज को भूनते हैं उसी टाइम में आप हमारे अदरक लहसुन डालकर भी भून सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। इसे हम काफी अच्छे से भूनेंगे। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, हमने इसमें लिया है 1/2 कप दही, तो इसको हमने काफी अच्छे से पहले फेंट के तैयार कर लिया। अब इसमें हमारे कुछ पाउडर मसाले हम ऐड कर देते हैं। उसमें डाल देंगे हम 1.5 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर। ये हमारे तीखी वाली लाल मिर्च, देखो हरी मिर्च भी डाली है मैंने और ये तीखी वाली लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही इसे डालना। थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी मैं, तभी ये टेस्टी लगता है। 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी लगेंगी। गरम मसाला हाफ डालूंगी, हाफ लास्ट में डालूंगी। किचन किंग मसाला 1 टीस्पून। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। इसका एक घोल बना के तैयार करके रखेंगे हम। मैंने पालक बॉईल करते समय शक्कर डाला था, आपने देखा होगा। और देखिए हमारा ये पालक का कलर कितना जबरदस्त है। शक्कर डालने से पालक का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। और उसको कैसा है, 2 से 3 मिनट आप उसको ब्लांच कर लीजिए और तुरंत ठंडा पानी डाल दीजिए, तो उसके बाद में ग्राइंड करूंगी तो आपको इस तरफ का बिल्कुल कोई कलर का यूज नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए हमारी पालक कितनी अच्छी प्योरी तैयार हुई है। देखिए हमारे मसाले ऑयल रिलीज करना शुरू कर रहे हैं, तो अब इस पीरियड में हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। और हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि ये और अच्छे से अपना ऑयल रिलीज कर ले। चलिए अब ये भी मसाला ऑयल छोड़ चुका है, तो अब हमने जो दही के साथ में पूरे मसाले पाउडर मसाले को फेंट के रखा था उसे डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। दही के साथ में ही मिक्स करके करा है, लेकिन इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि हमारा दही में, देखो मसाला डालने के बाद में खट्टा तो नहीं है, लेकिन इसे कंटिन्यू मैं स्टर करूंगी ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से रिलीज हो जाए और ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली मसाला डालने के बाद में ऊपर से दही फेंट के डाल सकते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू आपको स्टर करते ही रहना पड़ेगा। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए अब इसमें हम हमारा स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं मीन्स सॉल्ट। और इसमें चले जाएगा कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कसूरी मेथी ली है। अगर कसूरी मेथी नहीं है आपके पास में तो हमारे पास में जो हरी मेथी होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
हमें इसे अच्छे से ऑयल रिलीज होते तक भुनेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये होल स्पाइसेस है इसका मैंने जो ये क्रश बना के रखा हुआ था ये 1 टीस्पून बना है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे अगर आपके पास में क्रश नहीं है तो मैंने जो होल स्पाइसेस दिखा है डायरेक्ट आप जब काजू और प्याज वगैरह भूनते उस टाइम डाल के आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी, हमारे मिक्सर पॉट का पानी जो पीसे थे उसका थोड़ा थोड़ा डाल के इसे भूनते रहेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने जो ये पालक की प्यूरी बना के रखी है अब इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे अभी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। हमारा पालक का भी ऑयल छूटना बहुत जरूरी, पालक जब फ्राई होगा तो हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, उस टाइम में हम इसमें आलू डालेंगे। अब इसे हम फ्राई होने देते हैं। अब इसे हम कम पावर पे करके इसे ढक देते हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारे पालक ने भी अब ऑयल रिलीज कर चुका है। ये देखिए इसका मतलब हमारी पालक भी अब पक चुकी है। इसमें अब हम डाल देंगे हमारे ये आलू जो हमने फ्राई करके रखे, और इसमें हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। गैस का पावर थोड़ा स्लो कर देंगे क्योंकि ये बहुत डांस कर रहा है। मैं 5 मिनट तक इसे इसी तरह से इसमें भूनूंगी और उसके बाद में हमें हल्का सा पानी डाल के इसे नहीं, कम से कम वो आलू के अंदर पूरा उसका ये चले जाए ऐसा हमें उसको पानी डाल के उसमें तैयार करना है। तो अब इसको ढक देते हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, काफी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम हमारा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे इसलिए कि हमारा जो आलू डाले उसके अंदर इसका पूरा फ्लेवर जाना चाहिए। तो मैं 1/2 कप से ऊपर ही पानी डाल रही हूँ और इसे पकने दूंगी धीरे धीरे। इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक के हम पकने देते हैं। चलिए अब इसे हम फिर से चेक करेंगे। देखिए बीच बीच में चम्मच चलाते रहना वरना कैसा मसाला है कि तभी लोग जल सकता नीचे से। तो मैंने बीच बीच में चम्मच चलाते रही हूँ। देखिए काफी अच्छे से ये अब तैयार हो चुकी है। तो अब इस पीरियड में हम इसमें डाल देंगे 1/2 लेमन मींस नींबू, आधा नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। इसमें चले जाएगा हमारा 1/2 टीस्पून गरम मसाला जो हमने बचा के रखा था। हम अच्छे से पहले मिक्सअप कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा हरा धनिया, और लास्ट हमारा जो रह गया है ये हमारा फ्रेश क्रीम। मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं था तो मैंने दूध की जो मलाई होती है उसको निकाल के हल्का सा दूध के साथ में फेंट लिया। हमारी फ्रेश क्रीम तैयार हो गई। इसे हम अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त टेम्पटिंग से हमारा ये दम आलू तैयार हुआ है पालक के साथ में। आपको सही में यकीन मानिए आपको भी ये बेहद पसंद आएगा, आप इसे जरूर ट्राई करना। बेहद स्वादिष्ट होता है ये दम आलू। एक बार बनाऊंगे बार बार बनाऊंगे ये गारंटी के साथ में बोल रही हूँ मैं। आप इसे हम गैस का पावर बंद करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए कितने जबरदस्त सा हमारा ये पालक आलू तैयार हुआ है, दम आलू बनाया है हमने जो बेहद खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, इसका कलर देखिए, आपको ये देख के ही मुंह में पानी आया। इस तरह की हमारी ये सब्जी तैयार हुई है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए और फिर इसे हम सर्विंग डिश में निकालने के बाद में हल्का सा इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल करते हैं इस तरह से, और फिर इस पे हमारे कुछ सर्व करने के पहले थोड़े से जूलियंस हमारे ये अदरक की इस तरह से डाल के सर्व करते हैं। आपने देखा होगा कितना आसान था हमारा ये पालक दम आलू बनाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।